गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था, आज हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ फॉलोइंग। आपको बताना है सेकंड क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स हैं उसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, सेकेंड के फर्स्ट का। 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये पॉलिनोमियल गिवन है हमें। एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है स्टूडेंट्स? देखिए यहां पे प्लस एक्स स्क्वायर है, सिर्फ प्लस एक्स स्क्वायर है, लिख देते हैं स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसके साथ कोई भी आप देख रहे हैं कोई नंबर इसके साथ मल्टीप्लाइड है, इसके साथ मल्टीप्लाइड है एक नंबर वन, ठीक है। तो इसके साथ वन मल्टीप्लाइड है, इसलिए यहां पे क्या है, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका जो कोफिशियंट है ये क्या है, वन। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यहां पे क्या है, वन। ये किसी और टर्म का कोफिशियंट नहीं पूछ रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में, सिर्फ एक्स स्क्वायर वाले का पूछ रहे हैं। तो यहां पे कोफिशियंट क्या है, एक्स स्क्वायर वाले का वन है। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं हम इसका। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, अगेन पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट। तो माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है देखते हैं। माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं आप इसे। तो इसका मतलब माइनस वन एक ऐसा नंबर है जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड है। तो ये माइनस वन इसका क्या बन गया, कोफिशियंट बन गया। तो इसका आंसर है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज माइनस ऑफ वन। और अगर आपको कोई क्वेरी, आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थर्ड क्वेश्चन है, पाई अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है, पाई अपॉन टू इज मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, और इसीलिए ये इसका क्या बन गया, कोफिशियंट बन गया। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है पाई अपॉन टू, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पाई अपॉन टू। फोर्थ क्वेश्चन, रूट टू एक्स माइनस वन। इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर है ही नहीं, क्या इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर है? अगर इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशियंट रहा होगा वो क्या हुआ होगा, जीरो। इसीलिए तो ये पूरा टर्म जीरो बन गया, और इसी वजह से इस पूरे क्वेश्चन में, इस पूरे पॉलिनोमियल में एग्जिस्ट नहीं करता, एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज उसका कोफिशियंट क्या है, जीरो, ठीक है। तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज जीरो। तो आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद वाली वीडियोस में हम थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू गाइस।